हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो चल रहा है सिंपलीफायर, इस सिंपलीफायर में कि इसका जो साउंड आउटपुट मिल ही नहीं रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आज इस वीडियो में प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। साउंड अगर आपको आउटपुट में सही से नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या होता है। फ्रेंड, यहाँ पर दो आईसी लगा हुआ है, इस आईसी से ही प्रॉब्लम फॉल्ट होता है। कभी कभी हो सकता है कि आपका साउंड आउटपुट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा है, तो आईसी का प्रॉब्लम होता भी है, नहीं भी होता है, तो उस टाइम वॉल्यूम चेंज करके आपको देखना पड़ेगा। लेकिन उसको चेंज करने से पहले आप कैसे पता करेंगे हमारा आईसी ठीक है नहीं, तो उसके लिए आपको आईसी के पिन में हाथ देना होगा और देखना होगा कि स्पीकर में कोई साउंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो समझ जाएंगे कि आईसी में प्रॉब्लम है या नहीं। अगर साउंड कर रहा है तो समझेंगे आईसी का प्रॉब्लम है, और वॉल्यूम चेंज करने से हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। और नहीं कर रहा, अगर अच्छे तरीके से आवाज़ नहीं आ रहा, हाथ रखने से भी आवाज़ फंसता है या कुछ, मतलब जब एक दो बार रिपेयर करेंगे ना फ्रेंड, तब एक अनुभव हो जाएगा आपको, तो जिससे कि पता चल जाएगा ऐसे ख़राब है या सही है। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप वॉल्यूम को चेंज करें, और कुछ नहीं आ रहा ऐसे से, गर्म हो रहा, ज़्यादा हीट हो रहा है बिना लोड पर, तो आईसी को चेंज कर दे फ्रेंड, जिसके लिए मैं यहाँ पे आईसी चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों का दोनों आईसी बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा था हमारा इस सिंपलीफायर में, और आवाज़ भी नहीं आ रहा था सही से, और प्रॉब्लम हो रहा था कि एक में आ रहा था एक में नहीं आ रहा था, जिसके लिए मैं आईसी को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो इजीली आप अपना आईसी को चेंज करके ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपन न्यू आईसी को इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर न्यू आईसी को लगा लेते हैं। आईसी चेंज करना बहुत ही आसान है, डिसोल्डर पंप की मदद से मैंने यहाँ पे किया, जो कि साइड में आपको दिख रहा गोल्ड कलर का डिसोल्डर पंप। तो इजीली डिसोल्डर पंप का यूज करें, और यहाँ पे फ्रेंड आईसी में हीटिंग पेस्ट लगाना ज़रूरी है, ताकि इसका जो हीट है हीट को कम कर सके और आईसी जो है आपका जल्दी ख़राब ना हो। तो चलिए यहाँ पर लगा दिया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, हमारा हीट सिंक पेस्ट लग चुका है, और इस आईसी को इस एम्पलीफायर में पूरा तरीके से इंस्टॉल कर लेते हैं। बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड। तो फ्रेंड, जो इस चैनल पे न्यू है, पहली बार देख रहे हैं, ऐसा वीडियो देखना पसंद है, ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो या ट्रिक वीडियो या रिपेयरिंग से रिलेटेड या प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो ऐसा कोई वीडियो अपलोड करूं जो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। और हमने कुछ दिनों से नया नया काम करने का सोचा हूं, और अपने नाम का पीसीबी बनवा रहा हूं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन सारे चीज़ों का पीसीबी आपको देखने को मिलेगा। मेरा एक प्रोडक्ट जो है लगभग सेल हमने कर चुका हूँ 20-30 पीस के आसपास, लेकिन वो होममेड था, हाथ से बनाया हुआ था, लेकिन अब जो है पूरी फिनिशिंग वाली बनाया हुआ मिलेगा आप लोगों को, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप में जाके आप देख सकते हैं हमारा कैटलॉग को, उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट हमने ऐड करके रखा हूँ, जो कि हमारा खुद का मेकिंग है, और कुछ कुछ चीज़ है जो कि मार्केट लेवल है, लेकिन हमारा जो खुद का मेकिंग है वो आपको दिख जाएगा, हमारा ब्रांड का लोगो सर्किट इफेक्ट लिखा हुआ, जिससे कि आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या है सर्किट इफेक्ट, फ्री सर्किट लैब, ये सारा चीज़ हमारा ब्रांड का नेम है फ्रेंड। तो जिससे आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा, और आने वाले दिनों में कुछ कुछ चीज़ों को और भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। हाँ, कॉस्टली थोड़ा सा हो सकता है, महंगा, लेकिन जो क्वालिटी है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी आपको मिलने वाली फ्रेंड, और प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, जो जैसे कि यहाँ पर देख रहे चल चल सिंपलीफायर को रिपेयर कर रहे, पीसीबी देख रहे कितनी लो क्वालिटी है, सारी चीज़ लो क्वालिटी, तो इन चीज़ों को प्रीमियम क्वालिटी में लेकर आऊँगा मैं फ्रेंड। तो हमारे पास कुछ चीज़ों का कमी होने के कारण मैं अभी तक वो चीज़ को कर नहीं पाया हूँ। पीसीबी तो हमारे पास हो जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ को कमी होने के कारण, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इन सारे चीज़ों का बोर्ड मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो फ्रेंड, किन किन लोगों को चाहिए, और कमेंट जितना ज़्यादा आएगा फ्रेंड, जितना ज़्यादा आप रिप्लाई देंगे, उतना जल्दी हो सकता है कि हम उस पर काम करें और आपके लिए ये चीज़ को उपलब्ध करें, क्योंकि फ्रेंड मार्केट में जो मिलता है फ्रेंड
उन बोर्ड का क्वालिटी और हम जो बनाएंगे उन बोर्ड का क्वालिटी में बहुत ही अंतर होने वाला है फ्रेंड। आप देख ही रहे होंगे ऊटू में प्रीमियम प्रीमियम क्वालिटी का बोर्ड मार्केट में नहीं मिलता है, क्योंकि वो बनाया ही जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने आईसी को लगा दिया और आप भी देखिए यहाँ पे हाथ रखने से आवाज़ आ रही है। आईसी में भी रखेंगे तो ऐसे ही आवाज़ आने लगेगा फ्रेंड। तो इस तरह का आवाज़ आना ज़रूरी है, नहीं आता तो आपका प्रॉब्लम होगा, जिसमें आवाज़ भी नहीं फंसता और ऐसे हाथ रखेंगे कभी आवाज़ फंसेगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ दिक्कत होता है तो आपका जो है काम नहीं करेगा, तो मतलब सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप अपना आईसी को चेंज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे एक ब्लूटूथ डिवाइस को इंस्टॉल करूँगा, ऑडियो रिसीवर जो है, ब्लूटूथ डिवाइस किट जो है इसको इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, और इससे क्या होगा कि हमारा ऑडियो एम्पलीफायर चलेगा मोबाइल से बिना तार का। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है और इसको यूज करना। तो यहाँ पे यहाँ पे आपको इस ब्लूटूथ किट में 5 वोल्ट देना है, जो कि आपको एम्पलीफायर से इजीली 5 वोल्ट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो 7805 ट्रांजिस्टर का यूज करें, रेगुलेटर आईसी का यूज करें। तो रेगुलेटर आईसी से क्या होगा कि आपको एक्यूरेट 7805 से एक्यूरेट आपको वोल्टेज मिलेगा 5 वोल्ट, और इस ब्लूटूथ किट को 5 वोल्ट देना है और लेफ्ट राइट से आउटपुट लेना है ऑडियो। तो चलिए यहाँ पे नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया हूँ और 5 वोल्ट लिखा हुआ है VCC, तो इस ब्लूटूथ किट में 5 वोल्ट DC करंट आपको देना है DC लाइन। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमारा कनेक्ट हो चुका है, अब यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे 5 वोल्ट का वायर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे लेफ्ट राइट भी कनेक्ट कर दिया हूँ, और लेफ्ट राइट को जहाँ पे ऑडियो इनपुट करते हैं जैक से, वहाँ पे लेफ्ट राइट वाली पॉइंट में कनेक्ट करेंगे, जिससे कि बज जाए और आप बजा के भी चेक करके लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए यहाँ पे 5 वोल्ट मेन है, इसमें पावर गलत पावर मत दे दीजिएगा, 5 वोल्ट के जगह में 12 वोल्ट, नहीं तो आपका जो है ये ख़राब हो जाएगा। तो ख़राब ना हो इसलिए यहाँ पे रेगुलेटर का यूज करेंगे, जिससे कि 5 वोल्ट एक्यूरेट आपको मिल पाए। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे लेफ्ट राइट वाले पॉइंट में कनेक्ट कर लिया जैक के साथ। तो चलिए फ्रेंड अब मैं यहाँ पे 5 वोल्ट में कनेक्ट कर रहा हूँ, आप अपना मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा 5 वोल्ट में कैसे कनेक्ट करना है, और 5 वोल्ट में मतलब 5 वोल्ट कहाँ से मिल रहा है वहाँ से आप इसको इजीली कनेक्ट करें, ताकि आपको जो है ब्लूटूथ किट ख़राब ना हो। और फ्रेंड इसमें उतना भी डिटेल हम देने का कोशिश नहीं किया हूं। अगर ज़्यादा ही दिक्कत होने वाले नहीं है, बहुत ही सिंपल है, 5 वोल्ट इसमें देना है और ऑडियो आउटपुट लेना है, और इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारा मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा फ्रेंड। तो मैं उतना ये नहीं कर रहा हूँ और आपको सिर्फ बता दिया हूँ, ताकि इजीली आप इतना
समझ के आप अपना कनेक्शन कर लीजिएगा। और फ्रेंड हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है और समझ में आता है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेगी और कुछ नया नया वीडियो आपको अब देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड, इस ब्लूटूथ डिवाइस को इंस्टॉल करने के बाद इस एम्पलीफायर को पूरी असेंबल करते हैं, मतलब पैकिंग करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए इस एम्पलीफायर को पूरा तरीके से पैक कर देते हैं। अब यहाँ पे सारे काम जो हमारा सक्सेस हो चुका है, इसको टेप कर देंगे ताकि कहीं पे शॉर्ट ना हो। अगर आपका शॉर्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकता है कि ब्लूटूथ किट ख़राब हो जाए, तो इसके लिए आपको टेप मार लेना है ताकि आपका ब्लूटूथ किट ख़राब ना हो। तो हमारा यहाँ पे टेपिंग हो गया है और चलिए इसको अब यहाँ पे मैं फ्रेंड इसको पूरी तरीके से पैक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और चलिए अब इसको लगा लेते हैं, बहुत इजी तरीका, अब अपना भी लगा लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड अब मेरा चेक करके दिखा रहा हूँ, तो फ्रेंड साउंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बात, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसे रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिल पाए। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय, फिर से नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।